बच्चों बटरफ्लाई लाइफ साइकिल के बारे में मैं बताती हूँ, ठीक है, कि बटरफ्लाई कैसे पैदा होती है, कैसी बड़ी होती है, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि हर स्टेज में बटरफ्लाई एक दूसरे से चेंज है, ठीक है। पहली जो बटरफ्लाई, देखिए ये तो आप लोगों ने देखी होगी, सही है। बटरफ्लाई बच्ची हमेशा पौधों में होती है, ठीक है, पौधों में पत्तों पर बैठती है, फ्लावर्स पर बैठती है, लेकिन हमेशा बच्ची जो एक देती है ना वो पत्ते पर देती है, लीफ पर। अब आपको मैं बताऊंगी कि लीफ पर ही अंडा क्यों देती है ये। इनके बटरफ्लाई की एक जो है ना बच्ची ओवल शेप में भी होती है, स्क्वायर शेप में भी होती है, ठीक है, सर्कल शेप में भी होती है, डिफरेंट शेप्स में भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक से फिर कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर आप लोगों ने लीफ पर देखा होगा, जो व्हाइट कलर की छोटी छोटी होती है, अक्सर लीफ पर चिपकी होती है, देखी हुई है, इस शेकल में होते हैं बच्चे, ठीक है। वो लीफ पर ही जब जैसी वो अपनी एक से शेल से निकलती है तो सबसे पहले वो एक शेल को खाती है उसी टाइम, क्योंकि उसके सामने एक शेल होती है। उसके बाद वो जिस पत्ते पर होती है उसको खाना स्टार्ट कर देती है, बहुत ज्यादा खाती है। कैटरपिलर बहुत ज्यादा खाती है, हर टाइम बस ये खाती रहती है, एक लीफ को खाकर दूसरी लीफ में जाती है, फिर तीसरी लीफ में जाती है। अक्सर आप लोगों ने लीफ में देखा होगा सुराख बने होते हैं, ठीक है, हाँ, उन्होंने बाइट किया होता है कुछ लीव्स को, अक्सर होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कैटरपिलर जो है ये इतनी छोटी सी होती है, ये एक जो है ना मतलब पेंसिल की निब, पेंसिल नहीं होती, पेंसिल की निब जितनी ये एक होती है। इसकी कलर जो है, आप कलर पूछे तो ये ट्रांसपेरेंट होती है, व्हाइट कलर होती है, ट्रांसपेरेंट, ऐसी कि इसके अंदर जो है अगर नजदीक से देखा जाए तो कैटरपिलर नजर भी आता है, फिर इससे कैटरपिलर निकलती है तो कैटरपिलर भी छोटी होती है, लेकिन जैसी जैसी ये काती है तो ये इधर देखें ये पार्ट्स ये मतलब ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक बच्ची नेचुरल इसकी अपनी स्किन नहीं होती, स्किन, फिर एक ये ज्यादा क्यों काती है, इस टाइम में आपको पता चल जाएगा कि ये ज्यादा क्यों काती है। ये कैटरपिलर अपनी स्किन जो है ना, जिस तरह हम ब्लैंकेट अपने ऊपर डालते हैं ना, उसमें हम कवर हो जाते हैं, इस तरह ये अपनी स्किन अपने ऊपर डालती है इस स्टेज में, और ये बिल्कुल अपने आप को डांपती है, ठीक है, इसके अंदर लीफ से लटक जाती है। यहाँ पर वो ज्यादा इसलिए कहती है कि वो अपने अंदर एनर्जी खुराक वगैरह बच्चे स्टोर करती है, क्योंकि यहाँ पर 10-15 डेज तक वो लटकी रहती है, सही है। यहाँ पर ना मूवमेंट होती है ना वो बाहर निकलती है, बस इसी की तरह इसी के अंदर वो रहती है, इस स्टेज को कहते हैं प्यूपा, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होता है, हमें तो नजर नहीं आता, बाहर से तो हमें ये इस तरह नजर आता है, लेकिन बच्चे इसके अंदर जो है ना वो उसकी ग्रोथ डिवेलपमेंट उसकी प्रोसेस कंटिन्यू होता है। यहाँ पर फिर वो इस प्रोसेस को क्राइसिलिस कहते हैं, क्राइसिलिस से बच्चे यहाँ पर फिर ये बैग होती है, बैग की शक्ल, इसको बैग भी कहते हैं। इस बैग से फिर एडल्ट छोटी सी बटरफ्लाई जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, निकलती है, इससे निकल आती है इस क्राइसिलिस प्रोसेस से, और यहाँ पर जब निकल आती है तो बच्ची वो कंप्लीट बटरफ्लाई होती है। आप लोग भी कहते हो फिर वो बटरफ्लाई दूसरी लीफ पर एक देती है, और ये प्रोसेस साइकिल के शक्ल में चलता रहता है। आप लोग इधर देखें, बटरफ्लाई हर स्टेज पर एक दूसरे से डिफरेंट है, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस चीज की फिजिकल डेवलपमेंट हो ग्रोथ, लेकिन वो हर स्टेज में एक दूसरे से डिफरेंट हो, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, और ये बटरफ्लाई उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। समझ आ गई सबको बटरफ्लाई लाइफ साइकिल की? Thank you.
अच्छा बच्चों, आप लोगों को बटरफ्लाई लाइफ साइकिल की समझ आ गई? यस मैम। अच्छा ज्यादा समझ आ गई या नहीं? ज्यादा। दोबारा समझो। अच्छा अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन है बच्चे? यस कुछ बटरफ्लाई जो है वो सर्कल शेप में देती है, कुछ बटरफ्लाई जो है वो ओवल शेप में देती है, ठीक है, कुछ स्क्वायर शेप में भी होती है, वो डिफरेंट शेप्स में बटरफ्लाई एग्स देती है, ठीक है। और उनकी एग्स जो है फिर ये ट्रांसपेरेंट, मतलब उनकी कलर जो है ना व्हाइटिश होती है लेकिन थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट भी होती है। उसमें वो अंदर जो कैटरपिलर होता है ना छोटा सा, अगर हम उनको बिल्कुल नजदीक से देख लें उस एग को, उसमें वो कैटरपिलर भी हमें नजर आ जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरे कोई क्वेश्चन बच्चे? जी मिस, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कितनी स्टेजेस होती है? अच्छा बच्चे, बटरफ्लाई लाइफ साइकिल के फोर स्टेजेस होती है। फर्स्ट वन कौन सी है? एग, ठीक है, लीफ पर देती है। सेकंड वन जो है वो कैटरपिलर होती है। थर्ड वन जो है प्यूपा होती है। और फोर्थ वन जो है एडल्ट बटरफ्लाई, जो कि उस प्यूपा क्राइसलिस से निकलती है, ठीक है। ओके दूसरा क्वेश्चन बच्चे, और क्वेश्चन? जी जी, प्यूपा से बटरफ्लाई कैसे निकलती है? अच्छा, जो क्राइसलिस, उस प्रोसेस को हम क्राइसलिस कहते हैं, ठीक है, जिसमें प्यूपा जो है अपने आप को रैप करती है और बैग की शक्ल में होती है। जब बच्चे बटरफ्लाई जो है वो एडल्ट अंदर जो है उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, उस क्राइसलिस बैग में, शेल में, प्रोटेक्टिव शेल जो होती है उसमें उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद पहले वो अपनी लेग्स जो है बाहर निकालती है, उसके बाद विंग्स, लेग्स और विंग्स के जरिए वो उस बैग से, उस शेल से बाहर निकलती है, ठीक है। बटरफ्लाई एग जो है ना बच्चे, उसकी साइज जो है, पेंसिल नहीं होती, पेंसिल दो मुझे, पेंसिल की नीब ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये जो है इतनी साइज होती है एक की, ठीक है। चलो कोई और क्वेश्चन? ओके थैंक यू क्लास।